संत कबीर नगर जिले के अंतर्गत नाथनगर ब्लॉक के क्लान ग्राम सभा में स्वास्थ्य टीम द्वारा कोरोना वायरस का जांच किया गया, जिसमें दो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें गांव में अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया। ब्यूरो चीफ अश्विन कुमार पांडे की रिपोर्ट, संत कबीर नगर। सिद्धार्थनगर त्रिलोकपुरा थाना क्षेत्र के हथपरा गांव मामले में डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, मृतक परिवार को दी सांत्वना। उन्होंने कहा प्रदेश में कानून का राज है, जो लोग घटना को अंजाम दिए उनकी गिरफ्तारी हो गई। पीड़ित परिवार के साथ हम सभी लोग हैं। पीड़ित परिवार की जमीन पे दोषियों ने घर बनाया, उसको प्रशासन सील करेगा। प्रशासन 10 बिरसा जमीन भी पीड़ित को पट्टा दे रहा है। कार्रवाई ऐसी होगी कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। किस तरह से पूरे परिवार को चोट लगी है, और लेकिन निश्चित तौर से कानून का राज है। जिन लोगों ने इस तरह की हत्या की है, सबकी तत्काल गिरफ्तारी हो गई है। जितने लोग नामजद हैं और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। पीड़ित परिवार के लिए भी उनकी पैमाइश हो गई है, उनकी जमीन का डिमार्केशन हो गया है, और ये साबित हो गया कि जिसकी भूमि थी और जिस तरह से मारने वाले हत्यारे उस पर काबिज भी थे, और जब ये अपनी जमीन को लेने की बात कर रहे थे तो उस कारण से हत्या हुई, तो ये तो अपने आप में बहुत गंभीर है कि ये ध्रुवराज चौधरी, जिनकी हत्या हुई, उन्हीं की जमीन थी जिसमें घर भी बनवाया है आरोपियों ने, वो भी पैमाइश में आया है। उसको भी प्रशासन निश्चित तौर से, जितना हिस्सा ध्रुवराज चौधरी की जमीन में है उसकी कुर्की होगी, सील किया जाएगा, और दूसरी तरफ प्रशासन उनको 10 बिस्सा पट्टा भी दे रहा है। मुख्यमंत्री जी आर्थिक भी सहयोग देंगे, तो पूरा प्रशासन, शासन, हमारा संगठन, क्षेत्र के विधायक, सब लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, और ऐसी कठोर कार्रवाई होगी कि इस तरह की भविष्य में घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। धनगढ़ा संत कबीर नगर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को देखते हुए शासन ने आगामी त्यौहार में मूर्ति तथा मुहर्रम की स्थापना पर रोक लगा दी, जिसके तहत सोमवार को धनगढ़ा पुलिस द्वारा पैदल मार्च किया गया। पौली चौकी प्रभारी विवेकानंद तिवारी के साथ पैदल पुलिस ने मार्च किया। मिली जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन गणेश प्रतिमा व मुहर्रम पर रोक लगा दिया। पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर के निर्देश पर धनगढ़ा पुलिस ने थाना क्षेत्र के प्रमुख चौराहों पर पैदल मार्च कर लोगों को जागरूक किया। पौली चौकी प्रभारी विवेकानंद तिवारी की अगुवाई में पुलिस ने धनगढ़ा, उमरिया, जगदीशपुर, रामपुर समेत प्रमुख चौराहों पर पैदल मार्च किया। ब्यूरो चीफ अश्विन कुमार पांडे की रिपोर्ट, संत कबीर नगर।